मैं कृतिका अग्रवाल आप सबका हमारे इस चैनल कला केंद्र में एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज हम आपके लिए कुकिंग की एक और नई रेसिपी लेके आए हैं, समोसा और चटनी। हमारे गोंदिया में एक काफ़ी फेमस है ये चटनी, जिसे हम लालजी भाई की चटनी के नाम से जानते हैं। ये समोसे के साथ बहुत ही टेस्टी लगती है, इसको हम समोसा फोड़ के उसके ऊपर डाल के खाते हैं। आई होप आप लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आए। इसे कैसे बनाते हैं आप ये हमारी वीडियो में ज़रूर से देखें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो, हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और आपको कैसी लगी रेसिपी आप हमको कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू। तो समोसे बनाने के लिए हम सबसे पहले अपना मैदा लगाएंगे। मैदे का हम एक बैटर तैयार कर लेंगे, जैसा हम आटा लगाते हैं वैसा। हम मैदे को आधा किलो हमने मैदा लिया है, तो आधा किलो मैदे में हम आधा पाव तेल डालेंगे। मोन के लिए सबसे पहले हम इसमें नमक डालते हैं। ये हमने अपने मैदे में नमक डाल लिया। नमक आप अपने स्वाद अनुसार थोड़ा सा डाल सकते हैं। उसके बाद हम ये आधा किलो हमने मैदा लिया है, इसमें आधा पाव हम तेल डालेंगे। बीच में होल्ड करके सबसे पहले हम तेल को डालेंगे। फिर इसको हम अच्छे तरीके से मिला लेंगे। अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे। हमको ज़्यादा पतला भी नहीं करना है घोल को, और ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं करना है। हम जैसा रोटी का करते हैं उससे हल्का सा कड़क रहेगा हमारा। तो आप देख सकते हैं हमारा ये आटा तैयार है गूंथ के। इसको हमने बहुत सॉफ्ट भी नहीं किया है तो बहुत हार्ड भी नहीं किया, ये नॉर्मल है। अब हम इसको 2 मिनट पटके, जिससे हमारे समोसे काफ़ी क्रिस्पी आएंगे और पकड़ी बहुत अच्छी आएगी। आप देख रहे हैं मैं इसको पटक रही हूँ इस तरीके से। इसको हम 2 मिनट तक पटकेंगे और उसके बाद 5 मिनट इसको रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। तो हमारा आटा जब तक के हो रहा है तब तक के हम अपनी चटनी की तैयारी करेंगे। चटनी हम बनाएंगे आलू की चटनी। आप देख सकते हैं मैंने आलू उबाल के रखा है यहाँ पे, जो थोड़े से ज़्यादा उबल गए हैं। मतलब हमने करीब करीब 8 आलू लिया है जिसको हमने उबाल लिया है, और साथ में हमको लगेगी इमली भीगी हुई जिसको हमने अच्छे से निचोड़ लिया है, और उसका पानी है, ये इमली का पानी है। ये है हमारी हरी मिर्ची जो बहुत बारीक नहीं बिंद रही हुई है, ये समार, मीठा नीम, ऑयल, नमक, गरम मसाला और शक्कर। सबसे पहले हम अपने आलू को पीस लेंगे। हमको आलू को एकदम मैश कर, हमको आलू को एकदम पीस लेना है, और उसके बाद फिर हम उसकी चटनी छोकेंगे। हमने चटनी को, चटनी के लिए आलू को कुछ इस तरीके से एकदम पीस लिया है। आप देख सकते हैं एकदम प्रॉपर वे में पिसा गए हैं। अब हम अपनी चटनी छोकेंगे। छोकने के लिए हम सबसे पहले थोड़ा सा ऑयल लेंगे गंजी में। हमने ये ऑयल डाल लिया है। अब हम इसमें राई और जीरा डालेंगे। जैसे हमारी राई और जीरा फूटने लगेगी हम इसमें से आवाज आएगी, उसके बाद हम इसमें हरी मिर्ची डालेंगे और कड़ी पत्ता डालेंगे। हमारे राई जीरा फूट गए हैं, अब हम इसमें हरी मिर्ची डालेंगे। हमने लगभग 10 से 12 हरी मिर्ची लिया है, और आलू को हमने 7-8 लिया है। अब जैसे कि हमारी मिर्ची हो गई है, अब हम इसमें कड़ी पत्ता डालेंगे। हमने कड़ी पत्ते को धोके रखा था। अब हम इसमें चुटकी भर हींग डालेंगे और थोड़ी सी हल्दी, एकदम चुटकी भर हल्दी। अब हम इसमें थोड़ा नमक डालेंगे और इसको चला लेंगे। अब हम इसमें जो हमने आलू पीसा था वो डाल देंगे। गैस को हम मंद कर लेंगे। अब हम इसमें अपने इमली का पानी डालेंगे।
हमने जैसे कि 7-8 आलू लिया था यहाँ पे, तो उस हिसाब से हम लगभग एक कटोरी के करीब अपने इमली का पानी लेंगे और थोड़ा सा उसमें पानी ऐड करेंगे। अब हम इसको अच्छी तरीके से चलाएंगे। अभी ये अलग अलग दिख रहे हैं आलू और चटनी, तो कलर अलग अलग आ रहा है। हम इसको तब तक चलाएंगे जब तक ये प्रॉपर वे में एक साथ एक कलर में नहीं कन्वर्ट हो जाते। अब हम इसमें थोड़ा सा नमक आप अपने टेस्ट के अनुसार डाल सकते हैं। गरम मसाला लगभग 1 टीस्पून से गरम मसाला लिया है हमने। शुगर हम 2 टीस्पून ले रहे हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे क्योंकि हमें हमारी चटनी काफी गाढ़ी लग रही है। इसमें एक लोटा पानी ऐड किया है। अब हम इसे जब तक कि इसमें उकाली ना आ जाए हम इसे पकाएंगे। हमारी चटनी में उकाली आ रही है तब तक कि हम अपने मसाले की तैयारी करेंगे। मैंने एक साइड तेल गरम होने रखा है। अब हम इस तेल में राई और जीरा डालेंगे। जैसे हम नॉर्मल आलू की सब्जी छोकते हैं हमें वैसे ही छोकना है। हमने आलू उबाल के रखा हुआ है तो कट कर दिया है। तेल में हमने राई जीरा डाला, 2-3 चम्मच हरी मिर्ची डाला, कड़ी पत्ता डाला, अब अपना आलू ऐड करेंगे। इसके लिए हम सबसे पहले आलू में पूरा मसाला मिला देंगे। हल्दी, नमक, लाल मिर्ची, धनिया पाउडर, हल्का सा गरम मसाला पाउडर। अब हम इसको ऐड कर देंगे अपने हमारा ये मसाला रेडी है। एक तरफ चटनी भी हमारी उकलने में आई है। हम दोनों में सम्हार ऐड करेंगे। हमने बारीक बारीक हरा धनिया को बंदा लिया है। अब हम उसको मसाले में ऐड करेंगे और अपनी चटनी में ऐड करेंगे। ये हमारी चटनी भी तैयार है और हमारा मसाला भी तैयार है। अब हम गैस ऑफ कर देंगे और अब समोसे की तैयारी करेंगे। अब हम अपने समोसे को बेल लेंगे। सबसे पहले हमने लोइया बना लिया है, उसमें हम थोड़ा सा मैदा लिया पलोथन के लिए और हमने इसको बेल लिया। इसको बहुत मोटा भी नहीं बेलना है, बहुत पतला भी नहीं बेलना है, हम मीडियम बेलेंगे। हमने इसको बेल लिया है। अब हम इसको सेंटर से कट करेंगे हाफ। हम बहुत बड़े समोसे नहीं बना रहे हैं इसलिए हमने छोटा लिया है। अब हम इसको इस तरीके से फोल्ड किया। सेकेंड फोल्ड करने के लिए हम इसमें हल्का सा पानी लगा लेंगे और इसको ऐसे फोल्ड करके चिपका दिया। ये हमने समोसे का अंदर का भर लिया, बना लिया बाहर का। अब हम इसके अंदर मसाला भरेंगे। ये हमने भर लिया। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऊपर की साइड लगाएंगे और हम इसको पैक कर देंगे कुछ इस तरीके से। ये हमारे समोसा रेडी है। हमारा तेल आप देख सकते हैं ऊपर आ गया है। अब हम इसमें समोसे डालेंगे। हमने गैस एकदम सिम पे रखा है और इसमें समोसे डालेंगे और इसको हमको हल्का सा ब्राउन होते तक करना है।
चाहे वो क्रिस्पी हो जाए। याद रखिएगा फ्रेंड, हमको इसको मध्य पे ही तलना है। हम तेज में करेंगे तो हमारे समोसे अच्छे नहीं बनेंगे। ये आप देख सकते हैं हमारे समोसे ब्राउन हो गए हैं। अब हम इसको निकाल लेंगे। इसको निकाल लिया है। आप देख सकते हैं कितने क्रिस्पी और मस्त समोसे बने हैं। अब हम इसकी प्लेटिंग करेंगे। हम सबसे पहले दो समोसे लेंगे। उस समोसे को हम स्पून से तोड़ लेंगे। हमने ये कुछ इस तरीके से तोड़ लिया है। अब हम इसमें अपनी चटनी ऐड करेंगे ऊपर से, जैसे कि हम इडली में सांभर डाल के खाते हैं, जस्ट वैसे। वाओ, आप देख सकते हैं कितनी यम्मी दिख रही है। हम इसको इसी तरीके से सर्व करेंगे। ये बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में। आप ज़रूर ट्राई करिएगा और कैसे लगे हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। थैंक यू फ्रेंड्स। स्टे होम, बी सेफ, बी हेल्दी।